वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया था थ्री मेथड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोनिल कंपाउंड से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो प्रिपरेशन जितना भी था अल्कोहल का हमने फिनिश कर लिया है। आज हम लोग अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ जो टेस्ट है जिससे हम अल्कोहल को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अल्कोहल को क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते थे, लास्ट जो हमने अल्कोहल हाइलाइट किया था उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं देखा था हमने। उसमें क्या था कि हम उसके स्टेट देखते थे, कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एंड देन उसका कलर देखते थे, ठीक है। फिर ऑर्डर देखते थे और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करते थे, सॉलिबिलिटी हो गई, ठीक है। और कुछ फैक्टर जिसपे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं कि उसका स्टेट क्या होगा अल्कोहल का। तो स्टेट जो है उसका है, स्टेट हो जाएगा आपका लिक्विड। क्या होता है, स्टेट हो जाता है लिक्विड। आपने इथेनॉल देखा होगा, लेबोरेटरी में यूज करते हैं हम लोग एज ए सॉल्वेंट, तो लिक्विड होता है। ऑर्डर क्या होता है उसका, ऑर्डर जो होता है वो अल्कोहलिक बोलते हैं हम लोग, अल्कोहलिक, ठीक है। ऑर्डर इसका अल्कोहलिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कलर। कलर जो होता है अल्कोहल का वो कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस, कोई भी कलर इसके अंदर नहीं होता है। तो ये हमारा स्टेट हो गया, ऑर्डर हो गया और कलर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये नेचर के बारे में देखते हैं ना, अल्कोहल का नेचर कैसा है। नेचर होता है पोलर, और पोलर आपको पता है क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होता हो। तो अल्कोहल हमारा होता है आर ओ एच। अब यहाँ जो हमारा ओ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर डेल्टा माइनस, एच से भी इलेक्ट्रॉन डेल्टा प्लस और इस पर भी आता है डेल्टा प्लस। तो चूंकि इसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आ रहा है तो पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल का नेचर क्या होता है, पोलर होता है, और इसी पोलैरिटी की वजह से ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल। मतलब जैसे आप वाटर में इसको डिजॉल्व करोगे वो वाटर में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाटर में डिजॉल्व होने के लिए इसका जो कंडीशन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज वाटर सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जैसे हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आर ओ एच, ठीक है, इसमें होता है डेल्टा माइनस, अभी हमने देखा था। और वाटर का जो फॉर्मूला था वो होता है ओ एच एच, ये तो इस पर भी होता है डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, एच पे डेल्टा प्लस, ओ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो इसका जो एच है, अल्कोहल का एच और वाटर का ओ, दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से अल्कोहल जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अगर ये अल्कोहल नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमने देख लिया, वाटर सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरमोलिकुलर एंड सेकंड वन इज इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर आपको पता है, पहले वाली यूनिट में मैंने बताया था। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, इंटर मीन्स डिफरेंट, और इंट्रा मीन्स सेम, इंट्रा मीन्स सेम। अगर अल्कोहल ने अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक दिस। ये हमारा एच है, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, ठीक है। दूसरा अल्कोहल, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होगा डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। अभी इस अल्कोहल का, हाँ, इस अल्कोहल का, इस अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग करेंगे, जैसे ये वो है हमारा और ये एच है, इसके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है। अगर सेम मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो, अगर सेम मॉलिक्यूल में होगा तो कैसे होगा, जैसे अगर हम ये लेते हैं
ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है इसमें होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें होता है डेल्टा माइनस, ये होता है डेल्टा प्लस, ये होता है डेल्टा माइनस, ये होता है डेल्टा प्लस। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या करते हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड। यहाँ पे क्या उनसे बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि जो दोनों हमारा जो मोलिक्यूल्स है जिसमें जो कंबाइन कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो दोनों एक ही मोलिक्यूल में है। यहाँ पे अलग अलग मोलिक्यूल था, एक अल्कोहल का अलग मोलिक्यूल था, एक अल्कोहल का अलग मोलिक्यूल था। यहाँ पे हमने सेम देखा कि अल्कोहल का और वाटर के बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंटर मोलिकुलर। वाई? बिकॉज वाटर अलग है, अल्कोहल अलग है, और इसमें दोनों पार्ट जो हमारा है, एच वाला पार्ट भी इसी मॉलिक्यूल के अंदर है और ओ वाला पार्ट भी इसी मॉलिक्यूल के अंदर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल कैसे करता है बॉन्डिंग, अल्कोहल करता है इंटर मोलिकुलर, आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। अल्कोहल जो है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, और तब ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो अभी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एच बॉन्डिंग। जैसे जैसे एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इंक्रीजेस, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। अगर अल्कोहल का मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये तीनों अल्कोहल है, यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका मास कम होगा, यहाँ दो कार्बन है इसका मास इससे ज्यादा होगा, और इसमें थ्री कार्बन है तो इसका मास ये तीनों में से ज्यादा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर क्या, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो गया, जिसका मास ज्यादा उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या क्या देखा हमने, स्टेट देखा, स्टेट था हमारा क्या, लिक्विड स्टेट। कुछ गैसेस जो, कुछ जो हमारे हैं अल्कोहल, वो गैस के फॉर्म में रहते हैं, लाइक मिथेनॉल हमारा गैस के फॉर्म में भी रह सकता है। नेक्स्ट है हमारा कलर, कलर ये तो कलरलेस होता है, ऑर्डर इसका अल्कोहलिक ऑर्डर होता है। देन हमने देखा सॉलिबिलिटी, वाटर में सॉलिबल है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करता जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट है अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, इसमें क्या देखना है अभी। चलो तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो देखते हैं वो टेस्ट देखते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें टेस्ट देखते हैं, टेस्ट क्या है, जैसे आप नॉर्मल सा जब हमको टेस्ट, कोई भी टेस्ट करना है, सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं वो लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो भी कंपाउंड होता है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में डिजोल्व करके, कोई भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें उसमें लिटमस पेपर को हम डिप करते हैं। अगर कलर चेंज होता है इसका मतलब या तो एसिड या बेस हो सकता है, और कोई अगर लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो अगर ब्लू को रेड बना देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, तो वो कंपाउंड हमारा एसिडिक होगा, एसिड होगा, और अगर रेड को ब्लू कर देगा तो बेस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो अल्कोहल का देखते हैं, ये लिटमस पेपर पे कोई भी चेंजेस नहीं करता है, डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। लेकिन कौन सा अल्कोहल, एक्वस अल्कोहल होना चाहिए, कौन सा अल्कोहल, इट शुड बी एक्वस, मतलब वाटर में डिजोल्व अल्कोहल। अगर हमने अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व किया
और उसमें लिटमस पेपर को डिप किया तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, इट मीन्स अल्कोहल क्या वाटर में न्यूट्रल है। तो हम लिख सकते हैं अल्कोहल इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के लिए क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। सेकेंड टेस्ट है कि अगर सपोज कर लो हम इसको एसिडिक मानते हैं, थोड़ी बहुत एसिडिक नेचर होती है इसमें। क्यों होती है एसिडिक नेचर? लिटमस पेपर पे नहीं कर रहा है क्योंकि लिटमस पेपर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को ही डिटेक्ट कर सकता है। स्लाइटली मतलब बहुत कम अगर एसिडिक और बेसिक नेचर है तो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। तो हमारा अल्कोहल जो है वो आर ओ एच है, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो इस एच को अल्कोहल लूज कर सकता है। लेकिन इसको लूज करने के बाद जो ओ पे माइनस आएगा उस माइनस को स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप इधर लगा हुआ होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अगर इधर हम लगा देते हैं तो ये एसिडिक बन जाता है। नॉर्मली ये एसिडिक नहीं है, नॉर्मली ये न्यूट्रल होता है। बट अगर हमने अल्कोहल के अल्काइल पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे कि CH2ClOH, तो अब ये इस जो ओ हमारा ये जो एच है उसको थोड़ा इजिली लूज करेगा, बिकॉज ये जो है यहाँ जो माइनस आएगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर लो कि अगर हमने ऐसा कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया तो यहाँ जो माइनस आएगा वो यहाँ रेजोनेंस कर लेगा, रेजोनेंस करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट टाइम ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, तो कुछ भी आपको करना है लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको स्टेबल बनाना है, और स्टेबल बनेगा तभी वो एच प्लस इजिली लूज करेगा और मोर एसिडिक होगा। तो ये इजिली लूज नहीं करता, इसलिए लिटमस पेपर पे कोई भी चेंजेस वो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस के साथ, अगर हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो अल्कोहल अल्कोहल्स डू नॉट शो एनी चेंजेस और टेस्ट विथ बेस। ये इतना न्यूट्रल है कि बेस के साथ भी कोई चेंजेस शो नहीं करता है, बेस के साथ भी कोई भी टेस्ट शो नहीं करता है। अगर आपने बेस भी डाला तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला था तो क्या होना चाहिए था, जो आर ओ एच है ये एच को निकाल देना चाहिए था, एच निकालने के बाद यहाँ माइनस आ जाता। तो एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कॉन्जुगेट बेस का। जब भी कोई मॉलिक्यूल में से हम एक एच निकाल लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो अगर किसी एसिड का अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो कैसे डिसोसिएट होगा, ये हो जाएगा एच प्लस प्लस आर ओ माइनस। तो किसी भी एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइड आयन होता है, ये जो आयन है अल्कोक्साइड इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता तभी ये एसिडिक होता। तो जिस भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ये स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा है। उल्टा और क्या हो रहा है कि ये जो आर है वो प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आर क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब एक तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ऊपर से ये भी आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। मतलब रिपल्सन होगा तो ये मॉलिक्यूल बनना ही नहीं चाहेगा, और जब ये नहीं बनना चाहेगा तो इजीली नहीं निकलेगा, इसीलिए ये एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। इतना इवन इतना न्यूट्रल होता है कि एक स्ट्रांग बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया टेस्ट फॉर अल्कोहल या फिर एसिडिक कैरेक्टर का जो टेस्ट करना है हमें अल्कोहल का। फर्स्ट वन देख लिया लिटमस पेपर से, सेकंड वन कर लिया क्या हमने स्ट्रांग बेस के थ्रू। तो स्ट्रांग बेस चाहे आपको कोई भी यूज कर लो, NaOH हो गया, ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों में से किसी के साथ भी ये टेस्ट शो नहीं करता है। तो ये सारे सबका कंक्लूजन ये है कि अल्कोहल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी में कोई भी एसिड या बेस को कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। अगर वो एसिडिक नेचर का होता तो हमारे बॉडी में जाकर तुरंत हार्म करता, ठीक है, लेकिन वो हार्म करता है कुछ टाइम के बाद जब उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तब, लेकिन जब कंज्यूम करते हैं तब हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इट मीन्स ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है। अगर एसिडिक होता तो जलन पैदा करता अंदर जाके, ठीक है, बॉडी को डिस्ट्रॉय करता, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल का क्या हमारा न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर के लिए भी और बेस टेस्ट के लिए भी, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट जो हमारा वो हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है अल्कोहल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश या हाउ विल यू डिफरेंस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये तीन तरह के अल्कोहल होता है, ये तीनों अल्कोहल को आप अलग कैसे करोगे। जैसे आपको क्या किया गया, तीन बीकर में या तीन कंटेनर है, 1, 2, 3, इसमें अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल, तीनों में अल्कोहल दे दिया गया। अब पूछा जा रहा है बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है, तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में वीडियो बनाया हुआ है, सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा, प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे आप तो मिल जाएगा, वहां से आपको समझ में आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्या बोल रहा हूँ। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एक रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ये याद रखोगे, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में कभी कभी, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला आता है ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस मतलब वाटर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक डाइक्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे। इसी रिएजेंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी रिएजेंट के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को अलग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। तो करना क्या आपको कि आपके जो भी अल्कोहल दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी जो भी अल्कोहल दिया है, तो सपोज कर लो हमने तीन कंटेनर में दिया आपको अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है। अब देखो कलर के बेसिस पे तो हम किसी को आइडेंटिफाई कर नहीं सकते क्योंकि इसका कोई कलर होता नहीं है। दूसरा है ऑर्डर के बेसिस पे भी नहीं कर सकते, अल्कोहल है तो सबका स्मेल अल्कोहलिक होगा, ठीक है। स्टेट के बेसिस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि अल्कोहल सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो हमें कोई केमिकल टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि फिजिकल टेस्ट के बेसिस पे तो हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सब में डालेंगे लुकास रिएजेंट। सब में क्या डालेंगे, इसमें भी डालेंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसमें भी क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट। और इसमें भी क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट। अब हम लुकास रिएजेंट डालने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा वो देखो। अगर जब हमने इसमें डाला तो इमीडिएट टर्बिडिटी, अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाता है किसी में भी, तीनों में से जिसमें भी इमीडिएट टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि गाढ़ा हो जाएगा, जो भी लिक्विड होगा वो गाढ़ा हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर वो गाढ़ा हो जाता है तुरंत, तो जो भी तीनों में से पहले, सबसे पहले गाढ़ा हो जाएगा या तुरंत गाढ़ा हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद, लुकास रिएजेंट को ऐड करने के बाद, वो हमारा प्राइमरी टर्शियरी अल्कोहल होगा। क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। और जो कुछ टाइम लेने के बाद टर्बिडेट होगा वो हमारा सेकेंडरी होगा, अप्रॉक्स 5 मिनट के आसपास में ये टर्बिडिटी हो जाता है। और जो कभी नहीं होगा वो हमारा प्राइमरी होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो लुकास टेस्ट में क्या है, टर्शियरी जो है वो टर्बिडिटी तुरंत दिखा देता है, सेकेंडरी कुछ टाइम लेता है, प्राइमरी की टर्बिडिटी होती नहीं, प्राइमरी गाढ़ा होता ही नहीं है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तीनों में डाल दिया और ऑब्जर्व कर लिया। जो पहले हो गया हमने बता दिया कि हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, जो थोड़ा टाइम के बाद वो बता दिया वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और जो जिसमें नहीं हो रहा वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो लुकास रिएजेंट को यूज करके, इसको लुकास टेस्ट भी बोला जाता है, लुकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे इसको। चलो अब इसके इक्वेशंस कैसे आएंगे, तो रिएक्शन क्या आएगा। तो पहले आपने टेस्ट समझ लिया, तो क्या करना है हमको, लुकास रिएजेंट लेना है ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, टर्शियरी इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी कुछ टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट के बीच में आता है, और हमारा प्राइमरी टर्बिडिटी नहीं देता है। अगर कुछ लंबे टाइम के लिए भी, 1 या 2 दिन के लिए भी छोड़ दिया तो टर्बिडिटी तुरंत नहीं देता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिएक्शंस भी देखेंगे, और आगे इसके बारे में और भी कुछ पढ़ना है अल्कोहल के बारे में, वो देखेंगे, फिर से केमिकल रिएक्शन देखेंगे, मतलब इससे हम क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि नए नए टर्म्स आए इसके अंदर, और बहुत यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।